मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अनोखे किस्म के रॉबरी गिरोह को गिरफ्तार किया है। आप भी इनके बारे में जानकर दंग रह जाएंगे। ये लोग ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए लोगों को पुलिस का ही खौफ दिखाते और उन्हें ठग लिया करते थे। ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए लोगों से ये कहते कि आगे नाकाबंदी लगी हुई है और पुलिस चेकिंग के दौरान आप लोग परेशानियों में पड़ सकते हैं। और इस तरह से ये ठग लोगों से उनके गहने और कीमती चीजें ये कहकर अपने पास लेकर रख लिया करते थे कि नाकाबंदी पार करते ही आप अपनी अमानत हमसे ले लीजिएगा, और फिर मौका मिलते ही रफू चक्कर हो जाया करते थे। क्या है ये पूरा मामला, आइए खुद मुंबई पुलिस से सुनते हैं। 23 जून को पुलिस स्टेशन में एक सीनियर सिटीजन सदगृहस्थ आ गए। उनका नाम है सुभाष महेंद्रकर, उम्र है 62 ईयर्स। उनको 4 नंबर रोड पे किसी ने ठगा। जानकारी मिली कि कोई आदमी उनको बोल रहा था, अरे तू मुझे पहचाना नहीं, भूल गए क्या? तो ये सब दुकानें दिख रही है वो अपनी ही है, आ जाना कभी। और ध्यान में रख, ये सामने पुलिस खड़ी है, वो चेकिंग कर रही है, और आपके पास ये सब ज्वेलर्स हैं वो निकाल के रख, नहीं तो ये सब चला जाएगा। तो ऐसा बातों बातों में उसने उसे बताऊंगी टाइप का गुनाह बोला जाता है। तो उसने वो सब ज्वेलर्स, उसके लगभग 74,000 के ज्वेलर्स और कैश उससे पास निकाली और ठगी। वो आदमी को ना कहीं सीसीटीवी में दिख रहा है। लास्ट में बहुत सारे जांच के बाद हमें एक सीसीटीवी में दिखा, और तांत्रिक मदद के साथ हमने लगभग 15 दिन उसको फॉलोअप किया, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से और खबरी के मरकज से उसको फॉलोअप किया। आखिर में 2 दिन पहले वो आरोपी हमें मिला। उसका नाम है संजय दत्ताराम मांगड़े, उम्र है 50 साल। उसका साथ जो काम करता है उसका नाम है विजय तांबे, वो भी जल्दी हमारे हिरासत में आएगा, उसके भी पीछे हम पड़े हैं और जल्दी उसको हम पकड़ने वाले हैं। आरोपी का बैकग्राउंड बहुत ही खतरनाक है। वे कुछ सालों में उन्होंने लगभग मुंबई और आसपास के इलाके में 28 ऐसे ही टाइप के क्राइम किए हैं, 28 लोगों को ठगा है और लाखों रुपए का लूट किया है। उसका एक स्पेशल टीम होता है, वो टीम में अलग अलग लोग शामिल होते हैं। अभी इसमें जो शामिल है 2-4 गुनों में उसके साथ में, वो तांबे नाम का इंसान है, वो भी उसके वो अभी भाग गया है, उसको हम जल्द ही हिरासत में लेंगे। सीनियर सिटीजन या ओल्ड लेडी देख के सामने पुलिस का डर दिखा के उनको गुमराह करके उसका जो ज्वेलर्स है वो इंसान खुद निकाल के उनके हाथ में देते और छुपाने के लिए रुमाल में बांध के देते। हालांकि रुमाल में कुछ देते हैं वो हड़प कर लेते और इस तरह से ठगी करते हो जनता का। तो हम हर मीटिंग में विनती करते हैं कि पुलिस आपको लूटने के लिए नहीं, कोई बोलता है आगे पुलिस है ज्वेलर निकाल के रखो, तो ये सरासर गलत है। आपने पुलिस को ना डरते हुए शान से चलना चाहिए, और कोई ऐसा बोलता है तो कृपया पुलिस के ध्यान में लाके दो, आगे पुलिस ठगेगी ऐसा बताने वाला एक इंसान खड़ा है तो ऐसे इस टाइप का कोई क्राइम होएगा नहीं। जब आप रास्ते से चलते हो तो फुल कॉन्फिडेंस से चलो, ताकि आपका ना चेंज स्नैचिंग होएगा, ना आपके साथ ठगी होएगी, ना आपका एक्सीडेंट होगा। यही मेरा मैसेज देना है। धन्यवाद। इन मुंबई प्रेस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब मुंबई प्रेस एंड टैप द बेल आइकन। और हाँ, एप्पल और एंड्रॉइड स्टोर से मुंबई प्रेस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।